ये गुप्त रखेंगे, मेरे से चोड़े करवाऊंगे। सर वो पॉलिटिकल पार्टी आप लोग, एक ही सोच है मेरी, यही मैं हर जगह कहता हूँ। उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मतम मर्दे मत दे खुदा। आदमी जो हिम्मत करता है उसकी भगवान मदद करता है। इसलिए निराशा को आशा में बदलना मेरा लक्ष्य है, और मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि वो निराश और हताश ना हो बल्कि ज़्यादा मेहनत करें। यही आपको भी देऊंगा और आप पर भी लागू हो कि इस मौजूदा चुनाव लोकसभा से देश के लोग निराश हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं जी। अरे इनसे बोलो, लोग बताएंगे सर हम क्या। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे तो पूछ लिया मैंने लोगों से। आप बताओ कि लोग निराश हुए हैं कि नहीं हुए? चमत्कार को नमस्कार है सर, अब तो जो नंबर आए हैं उनके साथ है, बहुमत उनके पास है सर। सवाल बहुमत का नहीं है, मेरी बात को समझ नहीं आ। वोट चाहे कहीं दिए, क्या सोच के दिए लोगों ने, कैसे गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस चुनाव परिणाम से लोग निराश हैं या नहीं है? सर तो लोग बताएंगे, हम कैसे कहते हैं सर, मीडिया वाले तो जैसे कहोगे लोग वैसे। आप भी तो मतदाता हो, क्या यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आपने वोट कहाँ दिया था? ये तो सर गुप्त रखने वाली बात है। ये गुप्त रखेंगे, मेरे से चोड़े करवाऊंगे। सर वो पॉलिटिकल पार्टी है आप लोग, एक ही सोच है मेरी, यही मैं हर जगह कहता हूँ। उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मतम मर्दे मत दे खुदा। आदमी जो हिम्मत करता है उसकी भगवान मदद करता है। इसलिए निराशा को आशा में बदलना मेरा लक्ष्य है, और मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि वो निराश और हताश ना हो बल्कि ज़्यादा मेहनत करें। यही आपसे कह रहा हूँ, कृपया जरा छापते वक्त ध्यान रखें। सर ये संगठन वगैरह कुछ नए बनाए आपने, 14 दिनों का जो दौरा था वो कैसा रहा? कुछ संगठनों में बदलाव हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के ISO के कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हाँ, संगठन बनाया गया है, वो लिस्ट छपेगी, आपको बता दी जाएगी। और 14 दिनों की आपकी जो यात्रा रही प्रदेश में, कई जगह आपने कार्यकर्ताओं से बैठक ली, और CM के प्रति आपको ज़्यादा ही हमलावर थे, और काफ़ी आहत भी नज़र आए CM की। और कुछ प्राइम मिनिस्टर को मैंने फूल अर्पण किए हैं। मैंने तो वो भी जैसा है वैसा ही बताया है। प्राइम मिनिस्टर जैसा है उसका भी मैंने वही उल्लेख किया है, यही मैंने खट्टी का किया है, और यही आपसे कह रहा हूँ, हम व्यवहारिक लोग हैं, कृषि प्रधान देश के कृषक हैं, हम पशु पालते हैं, और जो पशु नाकारा हो जाते हैं, दूध नहीं देते या खेत में काम नहीं करते, उन पर नाकारा पशुओं को हम खट्टर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं या नहीं कहते? तो ये नाकारा है कि नहीं है? तो फिर इसको खट्टर कहना गलत है क्या? वो उसने मेरा बुरा तो माना, लेकिन फिर मैंने अखबारों में छपी हुई मीडिया में देखा कि अपने कार्यकर्ता के भी थप्पड़ मार रहा था कि नहीं मार रहा था, सेल्फी वाला सेल्फी वाला मार रहा था ना, तो खट्टरी कर सकता है ऐसा काम? मेरे किसी भी कार्यकर्ता के मुंह से आप कभी ये नहीं सुनोगे कि मैंने किसी को धमकाया, रो तो थप्पड़ मारता है, तो खट्टर नाकारा लोगों का। विधानसभा को लेकर कुछ उम्मीद है आपको, क्या नब्ज पकड़ पाए आपकी, जिस तरह से आपकी छवि रहती है कि? निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के आने वाले अक्टूबर के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। किस आधार पर सर? वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से 2% भी नहीं रह गया था, इंडियन नेशनल लोकदल का कोई गठबंधन भी नहीं है, JJP भी टूट हो चुकी है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, और हमारी पार्टी में ज़्यादातर अनपढ़ ही हैं, हम परसेंटेज नहीं जानते, हम वोट लेना जानते हैं और वोट देना जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हट जाओ, रास्ता छोड़ो भाई।